हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मेरा उर्दू स्टडी चैनल में आपका खैर मकदम है और मैं हूं हुमेरा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फ़ानी बदायूनी की गज़ल। इससे पहले मैंने तमाम गज़लियात की तशरीहात करा दी हैं, उम्मीद है आपने वो देखी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। और गज़ल को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे मेरा आने वाला हर वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सकता है। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए आपको स्क्रीन पर जो है शेर नज़र आ रहा है। ये फ़ानी बदायूनी की गज़ल का पहला शेर है। तो देखिए क्या कहते हैं कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी का है कोहे ख्वाब है दीवाने का। तो यहाँ पर जो मुअम्मा का मतलब है वो है एक अनसुलझी पहेली। और अनसुलझी पहेली क्या है? हमारी ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी जो है एक अनसुलझी पहेली है जिसे हम कभी भी सुलझा नहीं सकते। और ये ज़िंदगी जो है एक दीवाने के ख्वाब के मानिंद है। जिस तरीके से दीवाना अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर नए नए अजीब गरीब तरह के ख्वाब देखता है और उन ख्वाबों को जो है किसी को बता नहीं सकता, तो जो मुअम्मा है यानी ज़िंदगी जो है वो भी उसी की मानिंद है। तमहीर में देखिए क्या कह रहे हैं कि इस शेर में फ़ानी ने ज़िंदगी को एक दीवाने के ख्वाब से ताबीर दी है। तो उम्मीद है ये शेर आपको समझ आ गया होगा। तशरीह की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए फ़ानी कहते हैं कि ज़िंदगी एक मुअम्मा है यानी कि अनसुलझी जो है पहेली है जिसे आज तक ना कोई समझ सका है और ना ही किसी को समझा सका है। ये दीवाने के ख्वाब के मानिंद है। जिस तरह से वो अजीब व गरीब ख्वाब देखता है लेकिन किसी को बयान नहीं कर सकता। उम्मीद है ये शेर की तशरीह आपको समझ आई होगी। तो चलिए रुख करते हैं दूसरे शेर की तशरीह की तरफ। ये देखिए दूसरा शेर क्या है कि मुख्तसर किस्सा गम ये है कि दिल रखता हूँ, मुख्तसर किस्सा गम ये है कि दिल रखता हूँ, राज़े कौनैन खुलासा है इस अफसाने का। मुख्तसर किस्सा यानी कि छोटा सा किस्सा ये है कि मैं दिल रखता हूँ और उस दिल में जो है राज़े कौनैन यानी दुनिया और आखिरत के तमाम राज जो हैं एक अफसाने के मानिंद जो हैं पोशीदा हैं। समझ आया होगा। एक बार और फिर समझा देती हूँ कि मुख्तसर किस्सा यानी मेरे दिल का जो है एक मुख्तसर सा छोटा सा किस्सा ये है कि मैं क्या रखता हूँ, अपने जिस्म में दिल रखता हूँ और इस दिल में उस दिल में जो है राज़े कौनैन यानी दुनिया और आखिरत के तमाम राज जो हैं अफसाने के मानिंद पोशीदा हैं। उम्मीद है आपको ये शेर थोड़ा समझ आया होगा। तो देखिए इसकी जो तमहीद है वो क्या है कि शायर जो है इसमें कहना क्या चाह रहे हैं आखिर कि तो फ़ानी ने इस शेर में जो है दिल को राजदार बताया है, यानी दिल को जो है बहुत बड़ा राजदार बताया है कि इसमें जो है दुनिया के भी राज पोशीदा रहते हैं और आखिरत के भी तमाम राज जो हैं वो पोशीदा रहते हैं। तो चौथे शेर की तरफ रुख करते हैं, तशरीह की तरफ रुख करते हैं। कहते हैं इसमें फ़ानी कहते हैं कि मेरे गम की कहानी ये है कि मैं दिल रखता हूँ जिस में दुनिया और आखिरत दोनों के राज अफसाने पोशीदा हैं। उम्मीद है ये तशरीह आपको समझ आ गई होगी। चलिए तो आप तीसरे तशरीह की तरफ रुख करते हैं। तो ये रही तीसरा शेर कि ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ लाके मुझे ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। पशेमा यानी कि शर्मिंदा और हीला यानी बहाना, पशेमान शर्मिंदा हीला यानी बहाना। तो ज़िंदगी को कह रहे हैं कि ज़िंदगी तू भी शर्मिंदा है यहाँ पर लाके मुझे और अब मेरे मर जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है। तमहीद देखिए क्या कह रहे हैं, इस शेर में जो है फ़ानी अपने दुख भरी ज़िंदगी पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। तमहीद में अपनी दुख भरी ज़िंदगी पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। तशरीह में देखिए क्या कहते हैं फ़ानी कहते हैं मेरे गमों को देख कर अब मेरी ज़िंदगी भी शर्मिंदा है, इस शर्मिंदगी के बाइस अब वो मेरे मरने का कोई ना कोई हीला तलाश कर रही है। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है तमाम तशरीहात समझ आई होंगी।
और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो आप वीडियो को जो है पीछे करके दोबारा से शेर को जो है समझ सकते हैं। तो चौथे शेर की तरफ रुख करते हैं। जो है ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है चौथा शेर नज़र आ रहा है कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गमखाने का। यानी दुख भर दुख से, दर्द से, परेशानी से इंसान के हालात तो बदलते ही हैं, लेकिन उसके घर का नज़रिया भी बदल जाता है। तो चलिए तमहीद की तरफ रुख करते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें फ़ानी? फ़ानी इस शेर में अपने दुख और परेशानियों का हाल बयान कर रहे हैं। तशी देखिए क्या कहते हैं फ़ानी। फ़ानी कहते हैं कि ए लोगो, तुमने कभी किसी घर को रंग बदलते हुए देखा है? यानी किसी घर के हालातों को बदलते हुए देखा है कि ज़रा में दुख है, ज़रा में परेशानी है, ज़रा में खुशी है, और ज़रा में अजीब अजीब नई नई चीज़ें उनके साथ होने लगती हैं। अगर नहीं देखा है तो आओ मेरे गरीब खाने में, जिसमें दुनिया भर के दुख दर्द का तुम्हें एहसास हो जाएगा। तो ये थी चौथे शेर की तशरी। पाँचवें शेर की तशरी की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए शेर क्या है। हमने छानी है बहुत देर हरम की गलियां। देर हरम यानी मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, कहीं पाया ना ठिकाना तेरे दीवाने का। तो इस शेर की तमहीद देखिए कि इस शेर में फ़ानी खुदा हकीकी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहते हैं कि अल्लाह, मैंने तुझे पाने के लिए जो है मंदिर और मस्जिद दोनों जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नज़र नहीं आया, यानी तेरा ठिकाना मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इसकी तशरीह क्या है, क्या कहते हैं फ़ानी? कहते हैं या रब, मैंने तुझे मंदिर में भी तलाश किया है और मस्जिद में भी ढूंढा है। मतलब क्या कहते हैं? कहते हैं कि या रब, मैंने तुझे जो है मंदिर में भी तलाश किया है और मैं तुझे ढूंढने के लिए मस्जिद में भी गया, लेकिन ढूंढने के लिए, देखिए यहाँ पे लिए, मस्जिद में भी गया, लेकिन तेरे इस दीवाने को किसी का कोई ठिकाना, ढूंढने के लिए मस्जिद में भी गया, लेकिन तेरे इस दीवाने को ढूंढने का कोई ठिकाना नहीं मिला। उम्मीद है ये यहाँ तक आपको ये तशरीहात जो हैं समझ आ गई होंगी। तो छठा और आखिरी शेर है, देखिए क्या है कि हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। हर नफ्स यानी हर सांस पर जो है उम्र गुजरती चली जाती है, और इंसान यही सोचता रहता है कि अब मौत आने को है, और ज़िंदगी जो है इसी का नाम है कि इंसान मरमर के अपनी तमाम ज़िंदगी इसी अंदेशे में गुजार देता है। तो इसकी तमहीद की तरफ रुख करते हैं। तमहीद में देखिए क्या कह रहे हैं फ़ानी। इस शेर में फ़ानी मौत से आगाह करा रहे हैं। इस शेर में जो है फ़ानी हमें मौत से आगाह करा रहे हैं। तशरीह में देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि इंसान की हर सांस पर मौत का तकाजा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि इंसान जो है हर सांस पर यही सोचता रहता है कब मौत आने को है, तो इंसान की हर सांस पर जो है मौत का तकाजा है, और इंसान जो ज़िंदगी है इंसान की जो ज़िंदगी है उसी का नाम क्या है? मरमर के जिए जाने का, यानी मरमर के जीना ज़िंदगी उसी का नाम है। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है तमाम तशरीहात समझ आ गई होंगी, और अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से इन तमाम तशरीहात को समझ सकते हैं। तो ये थी हमारे आज की फ़ानी बदायूं की गज़ल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को एक बार फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।